What is up guys? तो फाइनली मेरा पहला गेमिंग लैपटॉप आ चुका है जो कि एक बजट सेगमेंट गेमिंग लैपटॉप है Asus VivoBook, जिसका मॉडल नंबर है Asus X505ZA। बात करें इसके बॉक्स कंटेंट की तो बॉक्स खोलते ही आपको पहले दिखेगा आपका लैपटॉप जो कि एक कवर में है, और फिर मैनुअल्स जो कि कोई पढ़ता नहीं इसे फेंको इसे, और फिर एक बॉक्स में आपको मिलेगा चार्जिंग एडाप्टर और केबल जो कि एक 19 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। आपको बस दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। एडाप्टर के ऊपर एक आसूस की ब्रांडिंग दी हुई है। बात करें लैपटॉप की तो कवर हटा के उसे खोलते ही आपको एक और कवर दिखेगा जो कि स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से मैं इसे ओपन करके दिखा दूं। वैसे मैं बता दूं कि ये पहले से ओपन एक बार हो चुका है, मुझे उन लोगों ने कॉन्फ़िगर करने के लिए दिया था जहां से मैंने ये लैपी खरीदा। तो चलिए अब इसे हर एक एंगल से देखा जाए। बात करें इसके प्रोसेसर स्पेक्स की तो इसमें लगा हुआ है AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega 8 ग्राफिक्स, जो कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मेरे पास है 4GB रैम वेरिएंट, जिसमें मैं एक और 4GB रैम स्टिक लगाने वाला हूं जो कि एक मीडियम स्पेक्स गेमिंग के लिए सफिशेंट होगा। सो गाइस, अगर आपका भी मेरी तरह एक टाइट बजट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये लैपटॉप लें, क्योंकि आप इसे फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं M.2 SSD के साथ और अप टू 16GB रैम इसमें लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अब मैं टेक से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा।